महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया भर के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है और आज ये एक कामयाब खिलाड़ी भी हैं। लेकिन क्रिकेटर बनने की राह धोनी के लिए इतनी आसान नहीं थी और एक साधारण इंसान से महान क्रिकेटर बनने के लिए इन्हें अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा था। धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत अपने स्कूल के ही दिनों से कर दी थी, लेकिन इंडियन टीम का हिस्सा बनने में इनको कई साल लग गए। लेकिन जैसे ही धोनी को हमारे देश की ओर से खेलने का मौका मिला तो इन्होंने इस मौके का बखूबी उपयोग किया और धीरे धीरे अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में स्थापित कर लिया। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम माही, MS, MSD और कैप्टन कूल है। लोग इन्हें इस नाम से भी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन क्रिकेट के लिए धोनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ा और इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी की पूरी जिंदगी है। इस खेल को खुद में उतार लेना और क्रिकेट को ही अपना भगवान मानकर धोनी गुलेल में फंसी उस गोटी की तरह हैं, जिन्हें जिंदगी ने काफी पीछे खींचा और जब धोनी उस गुलेल से निकले तो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते गए। कभी फुटबॉल खेलने वाले धोनी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो गोलकीपर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बन जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग भाग कर टिकट कलेक्ट करने वाले माही ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि वो भारत को एक दिन दो दो क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलवाएंगे। दोस्तों, बचपन में धोनी ने जिद करके एक बार सचिन तेंदुलकर का फोटो घर खरीद कर लगाया था। इसके लिए उनके पिता उनसे नाराज भी हो गए थे। सबसे पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को टीवी पर देखने वाले धोनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो कभी उनके साथ न सिर्फ खेल पाएंगे बल्कि उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी आसान नहीं थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और यह मुकाम हासिल किया। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं धोनी। आइए जानते हैं इनकी नेटवर्थ और IPL की कमाई। करोड़ों में है इनके घर की कीमतें। आइए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल नाम से तो जाना ही जाता है। वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में अब तक के सबसे कामयाब कैप्टन में से एक हैं। 2008 में उन्होंने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स में कैप्टन के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। उनकी कप्तानी में CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018 और 2021 में यानी कुल 4 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है। IPL के इतिहास में वह सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों में से भी एक हैं। आपको बता दें कि IPL के शुरुआत 3 सीजन में धोनी को हर सीजन में 6 करोड़ रुपए की सैलरी मिली थी, लेकिन IPL सीजन 2018 से 2021 के दौरान उन्हें 15 करोड़ रुपए की सैलरी दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो IPL की 16 साल की अवधि के दौरान कैप्टन कूल यानी कि MS धोनी ने कुल 176 करोड़ की सैलरी बटोरी है। हम आपको बता रहे हैं धोनी की नेटवर्थ, प्रॉपर्टी, कार और दूसरी महंगी चीजों के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आइए नजर डालते हैं धोनी की नेटवर्थ के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में धोनी की नेटवर्थ 1030 करोड़ रुपए है। वह दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में उनकी नेटवर्थ में 32% का इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 32% का इजाफा। आइए अब जानते हैं इनके घर के बारे में। धोनी ने 2011 में उत्तराखंड के देहरादून में एक महंगा और आलीशान घर खरीदा था जिसकी कीमत फिलहाल करीब 17.8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास रियल एस्टेट में कई और भी प्रॉपर्टीज हैं। धोनी अपने गृहनगर रांची में द कैलाशपति फार्म हाउस के भी मालिक हैं, जो करीब 7 एकड़ में फैला हुआ है। यह फार्म हाउस बहुत आलीशान है और इसकी वैल्यू करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जाती है।
महेंद्र सिंह धोनी को कार और मोटरबाइक्स का भी काफी ज्यादा शौक है, तो आइए इनकी कार और मोटरबाइक कलेक्शन के ऊपर भी नजर दौड़ाई जाए। कार और मोटरबाइक के लिए माही का प्यार जग जाहिर है। उनके पास क्लासिक और लग्जूरियस कारों का बड़ा कलेक्शन है। इसके अलावा उनके पास काफी सारी मोटरसाइकिल भी हैं। उनकी कार की बात करें तो उनके पास कारों का एक बड़ा फ्लीट है। इनमें हमर H2, OD Q7, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, फरारी 599 GTO, निसान जोंगा, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो और हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर शामिल हैं। 15 अगस्त 2020 को इस महान खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। चाहने वालों के लिए यह एक बहुत ही गमगीन पल था। यह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसे देखने के लिए दुनिया भर के कई लोग आया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी वनडे मैच से रिटायर लेने के बाद अभी भी IPL 2022 में दिखे हैं। धोनी अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। उनके सभी दर्शक उनको खेलता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, यह तो हुई उनकी संपत्ति के बारे में बातें, आइए उनके बारे में कुछ डिटेल में जानकारियां जान लेते हैं। उनका पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। उन्हें माही, MS, MSD, कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के रांची में उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह सिर्फ 12वीं पास हैं। उनके पिता का नाम पान सिंह और उनकी माता का नाम देवी की देवी है। उनके एक भाई और एक बहन है। उनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह रावत है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम जीवा है। पेशे से क्रिकेट और भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अगर इनकी बल्लेबाजी शैली की बात करें तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। बॉलिंग शैली की बात करें तो दाहिने हाथ के मध्यम गेंदबाज हैं। इनका पहला टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ था। पहला ODI 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश टीम के साथ हुआ था। पहला T20 मैच की बात करें तो 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ हुआ था। अगर इनकी ओवरऑल नेटवर्थ की बात की जाए तो करीब 700 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया महेंद्र सिंह धोनी या कैप्टन कूल की संपत्ति के बारे में और उनके बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद आपको नहीं पता थी। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, थोड़ी भी नॉलेज आपको इससे मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।